दोस्तों सूर्यवंशी मूवी तोड़ने वाली है सारे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के साथ साथ इसके राइट्स बिक रहे हैं इतने महंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड बॉल न्यूज। यह बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी आने जा रही है, जिसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर कटरीना कैफ और रोहित शेट्टी साहब इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। जहाँ ये मल्टी स्टार फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह साहब ये तीनों एक साथ नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों, ये कॉप ड्रामा मूवी जो है सो सबसे बड़ी कॉप यूनिवर्स बनने वाली है, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा के साथ साथ काफ़ी लोगों की बहुत सारी मेहनत है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों, इसको राइट्स को खरीदने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स काफ़ी ज़्यादा ललायत हैं, यहाँ तक ही उत्सुक हैं। इस फिल्म के राइट्स को खरीदने के लिए एग्जीबिटर्स भी काफ़ी ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों, इस फिल्म को स्क्रीनिंग काफ़ी हैवी मिलने वाली है। वहीं दोस्तों, इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स, डिजिटल राइट्स और इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स को भी खरीदने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा बेकरार हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों, इसमें टिप टिप बरसा पानी रीमेक होने वाला है, जो कि अक्षय कुमार और कटरीना कैफ फिर एक साथ नज़र आएंगे। काफ़ी टाइम के बाद अक्षय कुमार और कटरीना कैफ एक साथ नज़र आ रहे हैं। जहाँ अक्षय कुमार एक कॉप के किरदार में होंगे, वहीं कटरीना कैफ एज ए डॉक्टर के किरदार में होने वाली हैं इस फिल्म के भीतर। वैसे दोस्तों, ये फिल्म पूरी तरह से फुल टू मसाला मूवी होने वाली है, क्योंकि इसमें सिंघम के अजय देवगन और सिम्बा के रणवीर सिंह और खुद सूर्यवंशी यानी कि अक्षय कुमार इस फिल्म में होने वाले हैं। वहीं दोस्तों, इस फिल्म के राइट्स बहुत ही महंगे बिक रहे हैं और साथ ही इसके टिकट प्राइस में थोड़ी बढ़ोतरी भी की जा सकती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन हो सकता है कि इसकी या तो टिकट प्राइस में थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए या थोड़ी सी इसमें टिकट प्राइस को घटाया भी जा सकता है। जिस तरह से ये फिल्म प्रॉफिट करेगी या जिस तरह से ये फिल्म बजट को रिकवर कर लेगी, उतना ही इस फिल्म के टिकट प्राइस को उतना ही महंगा के बदले सस्ता कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट और डिजिटल राइट्स को बेचकर तकरीबन 200 से 250 करोड़ का फायदा हो सकता है। ये सोर्सेस के मुताबिक खबरें आ रही हैं प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। वैसे दोस्तों, ये फिल्म गुड़ी पाड़वा से ठीक एक दिन पहले 24 मार्च को ये फिल्म रिलीज़ कर दिया जाएगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि ये फिल्म रिलीज से पहले भी अपने सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स और डिजिटल राइट्स को बेचकर तकरीबन 200 से 250 करोड़ का फायदा कर सकती है। वैसे दोस्तों, आप लोग सूर्यवंशी मूवी को लेकर क्या कहना चाहते हैं और सूर्यवंशी मूवी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने